अरे बेटा तुम आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। इतनी रात गए, खैरियत तो है? पापा के जाने के बाद उस घर में मेरा दिल नहीं लगता अंकल, सोचा आपके पास आ जाऊं। अच्छा किया बेटा, अच्छा किया, आ जाओ आ जाओ, शाबाश शाबाश, आ जाओ, बहुत अच्छा किया तुमने, बैठो, शाबाश। बेटा ये तुम्हारा अपना ही घर है, तुम तन्हा नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ बेटा, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरा प्यारा दोस्त इतनी जल्दी चला जाएगा। अभी पिछले हफ्ते हम किसी बात पर हंस रहे थे तो वो इतना हंस रहा था कि मैं उसे देख देख कर मुझे खुशी हो रही थी। मुझे यकीन नहीं होता अंकल, अरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। बेटा जो अल्लाह की मर्जी होती है ना वो ही होता है, जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना है। बेशक, मेरा दिल करता है, मैं फूट फूट कर रहा हूँ। हाँ बेटा रो लो, अपना दिल हल्का कर लो, लेकिन बेटा जाना हम सबको है। वो मेरी माँ भी थे और मेरे बाप भी। हाँ बेटा, बस क्या कर सकते हैं। बेटा निदा, बेटा अच्छी सी चाय बनाओ। जी अब्बू, बना दीजिए। थैंक यू अंकल, मुझे इस वक्त आपकी बहुत जरूरत थी। देखो बेटा, दुनिया में एक रिश्ता मुंह बोले बेटे का भी होता है, आज से तुम मेरे बेटे हो। तुम्हारा कभी भी दिल घबराए, कुछ भी खाने को दिल चाहे तो बेटा इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, तुम बेधड़क चले आना। मैं जरूर आऊंगा अम्मी, आज से मैं आपको आंटी नहीं अम्मी कहूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। बेटा मैं तो ये कहूंगा कि 2-4 दिन तुम यहीं रुक जाओ, वो कहते हैं ना कि तन्हा दिल और उदास लोगों के लिए सबसे बेहतर जगह बसते घर होते हैं। रुक जाओ बेटा। प्लीज अंकल मुझे और शर्मिंदा मत करें। देखो बेटा मुझे गुस्सा ही बहुत जल्दी आता है। आपके गुस्से से तो पापा भी डरा करते थे, मुझे याद है एक बार पापा से आपकी लड़ाई भी हो गई थी। हाँ बेटा, हमारी अक्सर लड़ाई हो जाया करती थी और लड़ाई के बाद हमारी दोस्ती और पक्की हो जाती थी। बेटा वो एक बहुत अच्छा दोस्त और बहुत प्यारा इंसान था। हम सब्र के सिवा कुछ नहीं कर सकते बेटा, अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में जगा दे। आओ बेटा आओ। ये लो तुम्हारा बिस्तर तैयार कर दिया। देखो बेटा हमारा घर तुम्हारे शान के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन इस घर की तंग दीवारों में बड़े बड़े दिल बसते हैं जिसमें तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत है। तुम ऐसा करो, आराम करो, बाकी बातें सुबह करते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा। अब ये रखते। हाँ बेटा मैं रखता हूँ, शाबाश, ये मेरी बेटी है। चल आराम करो। बहुत हसास लड़का है ये, मैं समझता हूँ इसके दुख को।
सरदार है ना जो मेरा दोस्त भी था, इससे उसको बड़ी तौक़ात थी। वैसे अगर पूरी रात सुकून से सो गया होगा ना तो मैं समझती हूँ कि अब तो काफी तबीयत बेहतर हो गई होगी। अरे नींद की अपनी मर्जी होती है कौसर, ये तो बशर को आ जाती है तख्तेदार पे भी। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा। हाँ नींद आ गई थी। बैठो बेटा। अच्छा अब ये बताओ कि तुम नाश्ता क्या करते हो? मैं आप लोगों पे मजीद बोझ बनना नहीं चाहता। अरे मैं बाहर जा रहा हूँ, होटल से कर लूँ। खबरदार, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अपनी माँ भी कहते हो और अनजानों वाली बातें भी कर रहे हो। खाना और नाश्ता तुम यहीं करोगे। अब जल्दी से बताओ क्या बनवाऊँ तुम्हारे लिए? चाय और पराठे बोल रहे। ठीक है, मैं निदा से कहती हूँ, वो नाश्ता बना देती है। और वैसे भी निदा को पराठे बनाने का बहुत शौक है। निदा बेटी, दो पराठे और चाय बना दो और अंडा भी उबाल देना। जी अम्मी, अभी बना देती हूँ। अच्छा बाहर कहाँ जा रहे थे बेटा? अंकल घर जा रहा था, ये देखने की कहीं चोरी वगैरह ना हो गई। क्यों, दरवाजे लॉक करके नहीं आए थे क्या? लॉक तो किए थे, लेकिन घर खाली हो तो डर तो लगा रहता। हाँ ये बात तो है, लेकिन जब भी जाओ सीधे यहीं पर आना, ठीक है? इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा अपना घर है, समझ गए? मैंने घर की सफाई मुकम्मल करवा ली है। दो महीने तक आप लोगों को काफी तंग किया, लेकिन अब वापस अपने घर जाऊंगा। क्यों बेटा, क्या हमसे कोई शिकायत हो गई है? अरे अंकल क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, पहले ये एहसानात कम है आप लोगों के क्या? वाह बेटा वाह, अपना भी कहते हो और अनजान भी बनते हो। अरे तुम कोई गैर नहीं, इस घर के फर्द हो, मेरे बेटे हो तुम। कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और अगर तुम गए ना तो समझ लेना कि एक माँ अपने बेटे से नाराज हो जाएगी। देखो बेटा, तुम अगर चले गए ना तो हमारा ये घर सूना सूना सा हो जाएगा। मैं दिल से कदर करता हूँ आप लोगों, आप लोगों की मोहब्बत ही तो है जो मैं इतने दिन यहाँ ठहरा रहा। लेकिन आज नहीं कल जाना तो है, मैं फैसला कर चुका हूँ। आई एम सॉरी आंटी, आपका दिल तोड़ने के लिए। की बड़ी पाबंद है, ठीक 10 बजे झाड़ू लगाती है। आज इस तरफ मुंह कर लिया उसने, हैरत है। आज नाश्ते में क्या बनाऊं आपके लिए? वही जो रोज बनाती हूँ। कल आपने अंडा देखकर मुंह बना लिया था, मैं समझ गई थी कि आपको पसंद नहीं है। 2 माह से देख रही हूँ आपको, अब तो थोड़ा समझने भी लगी हूँ। तुम्हारे हाथ से पकी हुई हर चीज बहुत अच्छी लगती है, जो दिल करे वो बना। ठीक है। अच्छा सुने, वो थोड़ी सी मैथ सिखा देंगे मुझे? अगले हफ्ते पेपर है मेरा। कहाँ पढ़ोगी, अपने रूम में या मेरे रूम में? यही लाउंज में। बेटा तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं, और तुम फ्रेश हो जाओ। जी आंटी। सुनिए, मुझे लग रहा है अम्मी को शक हो गया है। कैसा शक? रजा प्लीज आप हमारे साथ रुक जाए ना। हाँ ठीक है, बस अभी होकर आ जाते हैं। अरे बेटा तुम यहाँ बैठो। वालेकुम सलाम। बेटा हम जरा बाजार जा रहे हैं, तुम निदा का ख्याल रखना, ठीक है?
आइए बेगम। मैं चाय बना दूं आपके लिए? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी कहिए। सुबह तुमने मुझे यहाँ रुकने के लिए क्यों कहा? पता नहीं। ठीक है, अगर तुम वजह नहीं बताओगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं रजा, अगर आप यहाँ से चले गए तो तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, है ना? तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ रजा, अगर आप यहाँ से चले गए ना तो मेरा दिल टूट जाएगा। प्लीज आप यहाँ से मत जाइएगा। निदा सो गई क्या? आप तो जानते हैं पक्की टाइमिंग है उसके सोने की। हाँ भाई, हमारी बेटी बड़ी नेक और सुगढ़ है, अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आप लोगों को? नहीं बेटा, जिसका इंतजार होता है ना उसकी आमद बुरी नहीं लगती। बैठो बैठो। लेकिन तुम तो इस वक्त सो जाते हो और अभी तक जाग रहे हो? जी अंकल, एक्चुअली कुछ मशवरे करने हैं आपसे। हाँ बोलो। अंकल समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ग्रेजुएशन के फौरन बाद अब्बू की डेथ हो गई, जिसकी वजह से मैं आगे एडमिशन नहीं ले सका। तो बेटा आप ले लो, इसमें क्या परेशानी है? जी अंकल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज़्यादा है। ठीक ठाक खर्चा होगा, जब अब्बू जिंदा थे तो वो दे दिया करते थे, लेकिन अब कौन देगा? सोचता हूँ कोई जॉब करे। नहीं बेटा, जॉब तो तुम्हारी पढ़ाई के लिए नुकसानदेह होगी, इससे पढ़ाई तुम्हारी मुतासिर होगी। मेरा ख्याल है कि तुम अपने घर को किराए पे दे दो, 25-30 हज़ार आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा घर भी बहुत अच्छा है और अच्छे इलाके में है। लेकिन अंकल अगर मैंने घर किराए पे दे दिया तो मैं खुद कहाँ रहूंगा? खुद कहाँ रहूंगा क्या मतलब? अरे कहीं नहीं रहोगे, यहीं रहोगे हमारे पास। फौरन एडमिशन ले लो। लेकिन आंटी आखिर कब तक मैं यहाँ रहूंगा? मैं जानता हूँ कि कुछ आपके रिलेटिव्स मुझे पसंद नहीं करते, मैं कैसे रह सकता हूँ यहाँ पर? लानत भेजो बेटा, जब हमें कोई एतराज़ नहीं है तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? सही कह रही है तुम्हारी हालत। अंकल अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। हाँ बोलो, क्या बुरा मानने वाली बात है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप, मेरा मतलब ये कि निदा से मेरी शादी कर दें? मेरे घर से जो किराया आएगा उससे मैं अपनी तालीमी अखराजात पूरे कर लूँगा। इसके अलावा पापा ने एक पार्टनरशिप में अपना बिजनेस भी किया हुआ था, उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने घर का खर्च पूरा कर लेंगे। देखो बेटा, तुम मेरे ऐसे दोस्त के बेटे हो जो मुझे बहुत अजीज था, और तुम भी एक माशाल्लाह अच्छे और हुनरमंद और होनहार बच्चे हो। हम भी यही चाहेंगे कि हम अपनी बेटी की शादी तुम जैसे होनहार बच्चे से करें। मेरा ख्याल है हमें रजा को यही रोकना होगा, मासूम बच्चा है, दुनिया इसको लूट कर खा जाएगी। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो निदा को पसंद करने लगा है, और निदा भी तो उसके आंखें पीछे फिरती है। रजा खानदानी लड़का है, बाप भी उसके लिए बहुत कुछ छोड़ कर गया है,
मुझे याद है कि उसके एक बिजनेस में पार्टनरशिप भी है और मैं समझता हूँ सारा हिस्सा रजा को ही मिलेगा। अगर ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो हमें क्या एतराज़ है? अब देखो ना, हम मिडिल क्लास के लोगों को अगर रजा जैसा होनहार और खाता पीता लड़का मिल जाए तो इसे अल्लाह का इनाम कहेंगे। बिल्कुल, बस अल्लाह अच्छा करेगा इंशाल्लाह। तो फिर आप शादी की तैयारी करेंगे? बिल्कुल बेटा, तुम्हारी शादी होगी और जरूर होगी इंशाल्लाह। मुझे कौन सा जाना था इस घर से? मैंने जाने का इसलिए कहा था कि निधा और ये लोग घबरा के मुझे खुद ही शादी का कहते हैं। वैसे निधा अच्छी लड़की है,